महिंद्रा स्कॉर्पियन की बुकिंग्स ने तो आग लगा दी है। 25,000 बुकिंग्स एक मिनट में और 1,00,000 से भी ज्यादा बुकिंग्स आधे घंटे में। पर क्या ये एसयूवी चलाने में भी इतनी तेज है और अपने दमदार इंजन ऑप्शंस के साथ आखिर इसका रियल वर्ल्ड माइलेज कितना है? इस एसयूवी के पेट्रोल और डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट्स पे हमने अपना कंप्लीट परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी टेस्ट किया है। नतीजा कुछ इस तरह से था। स्कॉर्पियो एन के इंजन ऑप्शंस के बारे में तो अब तक आप अच्छे से जानते ही होंगे। पेट्रोल बनाता है 203 हॉर्स पावर और डीजल बनाता है 175 हॉर्स पावर। ये दोनों इंजन मैनुअल और ऑप्शनल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आते हैं और डीजल के साथ आपको ऑप्शनल फोर व्हील ड्राइव भी मिलता है। इन दोनों ही इंजन का रिफाइनमेंट शानदार है और इनको चलाने में मजा आता है। 0 से 100 kmph की दौड़ में पेट्रोल एसयूवी आराम से जीत जाती है और इसका टाइम 10.1 सेकंड्स एक बड़ी भारी भरकम एसयूवी के लिए वाकई काबिले तारीफ है। डीजल भी ज्यादा पीछे नहीं है अपने 11.6 सेकंड के टाइम के साथ, वो भी बड़ी फुर्तीली है। पर सिटी के अंदर ज्यादा मायने रखता है रोल ऑन एक्सेलरेशन, जो कि होता है 20 से 80 किलोमीटर पर आवर तक, और इस मामले में भी पेट्रोल एसयूवी जीत जाती है लेकिन सिर्फ आधे सेकंड से। और ये जो स्कॉर्पियो एन का टाइम है ये फॉर्च्यूनर के बराबर का है। अगर आप स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर का भी परफॉर्मेंस कंपेयर देखना चाहते हैं तो वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ब्रेकिंग के मामले में दोनों में सिर्फ 1 ही मीटर का फर्क है और यहाँ पे डीजल जीत जाता है। हालांकि हमें ये बोलना ही पड़ेगा कि इनका ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कम से कम 5 मीटर और बेहतर होना चाहिए था। ओवरऑल स्कॉर्पियो एन का परफॉर्मेंस वाकई ही लाजवाब है और इसको चलाते हुए लगता ही नहीं कि आप एक इतनी बड़ी एसयूवी चला रहे हैं। अब ये तो जाहिर सी बात है कि डीजल की एफिशिएंसी पेट्रोल से बेहतर है। हमारे माइलेज टेस्ट में जहां पेट्रोल ने सिटी के अंदर 10.1 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिया, डीजल ने दिया 2 किलोमीटर पर लीटर और बेहतर। हाईवे पे जहां पेट्रोल ने दिया 13.2 किलोमीटर पर लीटर, डीजल ने दिया 3 किलोमीटर पर लीटर और बेहतर। अब हाँ, ये माइलेज फिगर्स थोड़े कम तो हैं लेकिन ये हैं इसके एफर्टलेस परफॉर्मेंस की वजह से। आपके लिए क्या ज्यादा मायने रखता है, दमदार परफॉर्मेंस या फिर एक हाई एफिशिएंसी? जरूर बताइए हमें नीचे कमेंट सेक्शन में। और स्कॉर्पियो एन का परफॉर्मेंस आप कौन सी गाड़ी के साथ कंपेयर होते हुए देखना चाहते हैं वो भी बताइए नीचे कमेंट्स में, वो वीडियो हम आपके लिए बना देंगे। मैं हूं नबील, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। अलविदा।